डियर uh, स्टूडेंट्स इस वीडियो से पहले हमने लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग को देखा था और उसकी कुछ एग्जांपल्स को किया था uh, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो ग्रेडिड लैक्सीग्राफिकल ऑर्डरिंग को देखेंगे ये ग्रेडिड लेक्सीग्राफिकल ऑर्डरिंग को जो है वो हम डिग्री लैक्सीग्राफिकल ऑर्डरिंग भी बोलते हैं इसको डिग्री भी बोला जा सकता है इसको ग्रेडिड भी बोला जा सकता है तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं उस डेफिनेशन में आपको बात क्लियर हो जाएगी क्यों इसको डिग्री या जो है वो ग्रेडिड का नाम दिया गया है ठीक है सो दिस इज अबाउट डिग्री लैक्सीग्राफिकल ऑर्डरिंग और ग्रेडिड लैक्सीग्राफिकल ऑर्डरिंग और इसकी जो डेफिनेशन है वी डिफाइन द डिग्री

ऑर्डरिंग चेंज करते हो वो जो आपकी दूसरी डेफिनेशन है मनोमेल ऑर्डरिंग की वो भी उसके रिस्पेक्ट से अपडेट या चेंज हो जाती है ठीक है सो फॉर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा वन से लेकर अल्फा एन एंड बीटा इज इक्वल टू बीटा वन से लेकर बीटा एन इज अगेन एलिमेंट्स ऑफ एन की पावर एन वी डिफाइंड के एक्स अल्फा इज लेस देन एक्स बीटा अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली हम डिग्री लेक्स्योग्राफिकल ऑर्डरिंग की बात कर रहे हैं कि उसके रिस्पेक्ट से ये एक्स अल्फा जो होगा वो एक्स बीटा से छोटा होगा If पहली कंडीशन है कि सम्मिशन आई फ्रॉम वन टू एन अल्फा आई इज लेस देन सम्मिशन आई फ्रॉम वन टू एन बीटा आई ठीक है आपको याद होगा कि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन सिंपल लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में नहीं थी ठीक है इसमें है कि वो जो ओवरऑल जो डिग्री इसको बोलते हैं या इसका ग्रेडिंग का भी हमने नाम दिया था कि डिग्री ऑफ दैट मोनोमियल जो है या तो वो उससे छोटा हो यानी कि एक्स अल्फा जो मोनोमियल है उसकी डिग्री अगर एक्स बीटा की डिग्री से छोटी है इसको मल्टी डिग्री का नाम दे देंगे बेसिकली ये आपके पास हमने अल्फा आइस को ऐड किया और बीटा आइस को ऐड किया है अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी देन वी आर डन हमें मजीद कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है तो यही विद रिस्पेक्ट टू तो डिग्री लैक्सीग्राफिकल ऑर्डरिंग के रिस्पेक्ट से इसकी ऑर्डरिंग होगी लेकिन अगर ये आपस में बराबर हुए दैट फिर हम क्या करेंगे फिर आपके पास ये सेकेंड कंडीशन है कि अगर दोनों बराबर हैं के दोनों के डिग्री का सम आपस में बराबर है दैट मींस दैट एक्स अल्फा इज लेस देन बीटा विद रिस्पेक्ट टू लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग यानी कि आपने बेसिकली इसमें चेक ये करना है कि अगर तो ये आपके पास यानी कि इसमें हमने बेसिकली देखना ये है कि अगर तो जो ऑर्डरिंग है वो विद रिस्पेक्ट टू जो उसकी डिग्री है अगर डिग्री एक मोनोमियल की दूसरे से छोटी है तो वो छोटा उससे पास मोनोमियल आ जाएगा ठीक है मतलब डिग्री लेक्सोग्राफिकल ऑर्डरिंग में सिर्फ ये एडिशनल पॉइंट है कि हम पहले डिग्री को देखेंगे अगर डिग्री उससे छोटी है देन उसके रिस्पेक्ट से छोटा है लेकिन अगर डिग्री बराबर है तो फिर हम वापस उसी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग की डेफिनेशन में चले जाएंगे ठीक है ये चीज उसमें नहीं थी सिंपल लेक्सीग्राफिकल ऑर्डरिंग हम डिग्री नहीं देखते हम सिंपल लेक्सीोग्राफिकल ऑर्डरिंग की डेफिनेशन देखते हैं यानी कि एक तरफ आपके पास एक्स पड़ा हुआ है एक तरफ आपके पास वाई की पावर टेन पड़ी हुई है तो अगर मैं लेक्सीोग्राफिकल ऑर्डरिंग की बात करूंगा तो एक्स जो है वाई की पावर फाइव से या वाई की पावर टेन से बड़ा होगा क्योंकि हम उसमें डिग्री नहीं देख रहे होते लेकिन अगर हम डिग्री के रिस्पेक्ट से देखेंगे तब हम वाई की पावर टेन जो है वो एक्स से जो है वो बड़ा होगा क्योंकि हम उस पर हम पहले डिग्री देखते हैं अगर डिग्री बड़ी है तो वो मोनोमियल बड़ा है अगर डिग्री बराबर है तो फिर हम उसकी डेफिनेशन पे चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग ठीक है तो इसकी हम नेक्स्ट इसके बाद कुछ एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि इसकी डेफिनेशन मजीद क्लियर हो जाए सो लेट्स से अगेन हम वही थ्री वेरिएबल में बात करते हैं एक्स वाई जी के अंदर एंड लेट्स से मोनोमियल इज एक्स वाई क्यूब जेड की पावर फाइव एंड देन वी हैव दिस एक्स y एंड z ठीक है और हम चेक करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रेडिड लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग या डिग्री लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग तो पहले हम इसकी जो है डिग्री या ग्रेडिड की नोटेशन देख लें नोटेशन हम उसमें हमने लेक्स यूज किया था और इसमें हम क्या करेंगे साथ में एक जी आर लगा देंगे ग्रेडिड लेक्स में दिस इज जी आर लेक्स मीन्स दिस इज ग्रेडिड लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग ठीक है तो अब इसके रिस्पेक्ट से ग्रेडिंड में हम सबसे पहले क्या देखते हैं ग्रेडिट में सबसे पहले उसकी डिग्री देखते हैं उसके बाद लेक्स पे चलेंगे अब इसकी डिग्री का सम जो है वो फाइव प्लस थ्री प्लस वन दैट इज इक्वल टू नाइन और इसका अगर सम देखें तो इसका सम टू प्लस वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू फोर तो इसके सम्मिशन सम ऑफ जो आपके पास इसका वन वैक्टर था वन थ्री फाइव और इसका वेक्टर जो था टू वन वन तो इसमें इसका सम जो है इसके सम से छोटा है दैट मीन्स कि आपके पास जो है ये आपके पास ये एलिमेंट इससे बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रेडिड लैक्सीोग्राफिकल ऑर्डरिंग ठीक है आ, अगर इसी मनोमिल को मैं लेक्सीोग्राफिकल ऑर्डरिंग में देखता तो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड से ये टू बड़ा है इस वन से तो लैक्सीोग्राफिकल ऑर्डरिंग में बेसिकली उल्टा है अगर मैं लेक्स की बात करूं आपके पास ये एक्स वाई क्यूब z5 जो है ये छोटा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू लेक्स ठीक है तो ये बेसिकली ग्रेडिंड जो ये इसकी मोमिल ऑर्डरिंग है ये उस पर डिपेंड कर रहा है कि मोमिल ऑर्डरिंग आप कौन सी यूज कर रहे हो ग्रेडिट में ये एलिमेंट इससे बड़ा है और लेक्स में आ, इसका उलट है ठीक है उसके बाद मैंने मुझे लैक्सियोग्राफिकल uh, ऑर्डरिंग में हमने एक एग्जाम्पल की थी जिसमें डिग्री टू वाले सारे देखे थे कि डिग्री टू वाले लैक्सियोग्राफिकल uh, ऑर्डरिंग में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि आपको याद होगा कि वो हमने किया था एक्स केयर जो है वो ग्रेटर देन विद रिस्पेक्ट टू लेक्स वाज विद एक्स वाई एज ग्रेटर देन विद रिस्पेक्ट टू दिस लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डरिंग एक्स जेड एंड सो ऑन ठीक है लेकिन अब इस केस में जो है जब हम ग्रेडिट लेक्सीग्राफिकल ऑर्डरिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर डिग्री तो अब सभी की सेम है मतलब तो इसकी भी टू है इसकी भी टू है इसकी भी टू है तो इन नटशल बात करने का मकसद यह है कि ग्रेडिट के अंदर वो जो डिग्री टू वाले सेम वही ऑर्डरिंग होगी जो लेक्सीग्राफिकल ऑर्डरिंग है यानी कि अगर मैं मैं में लिखना चाहूं तो बेसिकली तो तो ग्रेडिट में भी यही ऑर्डरिंग चलेगी कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि इनका डिग्री सेम है जब डिग्री सेम होती है तब हम सिंपल लैक्सीग्राफिकल ऑर्डरिंग की तरफ चले जाते हैं ठीक है तो मेरा ख्याल है कि डिग्री लेक्सीग्राफिकल ऑर्डरिंग के लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिग्री सेम है तो फिर हमारी वो दोनों एग्जाम्पल आपस में सेम है या डिग्री सेम है तो फिर लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग में या डिग्री लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग में कोई डिफरेंस नहीं है उसके बाद आपको याद है कि अभी हमने इससे पहले जो वीडियो की थी उसके अंदर एक सेट ऑफ आपके पास जो पोलिनियल रिंग है के ऑफ एक्स वन एक्स के अंदर जितने भी मोनोमल्स पड़े हैं उनको एक ऑर्डरिंग करने की कोशिश की थी लेक्सोग्राफिकल ऑर्डरिंग में उसमें ऐसा था कि ये पहले आपने x2 टू ले लिया फिर x2 टू की सारी आ, पावर्स ले ली सो ऑन ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में उसके बाद आपने x1 वन लिया x1 वन के साथ x2 टू की आ, सारी पावर्स को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया और ये प्रोसेस चलता रहा और उसके बाद जो आपने एक्स ले लिया और एक्स एक्स वन की पावर टू ले ली और एक्स वन की पावर टू के साथ एक्स टू की सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया एंड सो ऑन ठीक है ये एक तरह की ऑर्डरिंग की थी हमने लेक्सी को ग्राफिकल ऑर्डरिंग में कि ये सारी की सारी जो ऑर्डरिंग है वो तो बेसिकली लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है ये सारे के सारे आपके पास लेक्सी को ग्राफिकल ऑर्डरिंग है सारी ठीक है अब अगर मैं ग्रेडिड में देखूं ग्रेडिड में या डिग्री में लेक्सी को ग्राफिकल ऑर्डरिंग में तो उस केस में अगर मैं इन्हीं टू वेरिएबल्स के अंदर जो पोलिनोम रिंग है उसके तमाम मनोमियस को ऑर्डरिंग करना चाहूं आ, इन असेंडिंग ऑर्डर तो ऑफकोर्स वन तो सबसे पहले आएगा ठीक है और वन इज लेस देन अब आपके पास क्या है कि आपने वन वालों को इकट्ठा करना है वन वालों का मतलब यह है कि पहले आप x2 रखोगे और उसके बाद x1 रखोगे डिग्री वन वाले पहले रखेंगे उसके बाद डिग्री टू वाला जो है डिग्री टू वाले आपके पास इसके अंदर कितने आ, मोनोमियल्स हैं वो आपके पास तीन मोनोमियल हैं वो एक आपके पास है x1 वन स्केयर एक आपके पास है x1 x2 और एक आपके पास है x2 टू स्केयर तो इसमें सबसे छोटा जो है क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं सबसे छोटा इसमें x2 टू स्केयर है उसके बाद आपके पास x1 x2 है और उसके बाद आपके पास x1 वन स्केयर है ठीक है तो ये टू डिग्री वाले सारे हो गए उसके बाद थ्री वाले थ्री वाले में आपके पास पहले जो आपके पास है थ्री वाले वो आपके पास एक्स क्यूब है एक्स वन स्केयर uh, है एक्स टू है देन एक्स वन एक्स टू स्केयर है और उसके बाद एक्स टू क्यूब है ठीक है और इसको भी लिखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट इसका सबसे पहले लिखेंगे आपके पास एक्स टू एक्स क्यूब उसके बाद आपके पास इसका आ जाएगा एक्स वन एक्स टू स्केयर उसके बाद आपके पास आ जाएगा एक्स वन स्केयर एक्स टू और उसके बाद आपके पास एक्स क्यूब ठीक है और ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू uh, रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है वो जब आप डिग्री लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग की बात कर रहे हो सेट ऑफ ऑल मनोम में तो वहां पे डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि वो वन डिग्री वाले पहले टू वाले बाद में थ्री वाले बाद में एंड सो ऑन। जब आप जनरल की बात कर रहे हो तब आप सिर्फ एक्स टू वाली सारी पावर्स पहले रखी है उसके बाद एक्स के साथ टू वाली सारी पावर्स एक्स के साथ एक्स की पावर टू के साथ एक्स टू वाली सारी पावर्स एंड सो ऑन ठीक है तो आई होप के इन सारी कंपैरिजन के बाद इन सारी एग्जांपल्स के बाद आपको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग और डिग्री लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा